हेलो सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल राइडर यूथ कठा पर। तो गाइस, आज अपनी जो R15 है ये 52,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है, तो मैंने कहा चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं कितना पुल कर रही है कैसे, तो देखते हैं इसकी पावर चेक करते हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर। बात करूँ पावर की तो काफ़ी सही है, मतलब अभी तक तो रिस्पॉन्स मिल रहा है, बाकी देखते हैं आगे, क्योंकि अभी एक्सीलरेशन दे रहा हूँ तो ढीली हो रही है आगे से। और बाकी गाइस, मैंने अभी इसकी कुछ टाइम पहले सर्विस कराई थी, अभी ठीक ठाक ये कुछ इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है, मतलब पावर ड्रॉप कर रही है ऐसा भी नहीं है, सही चल रही है। आज एप्लीकेशन तो काफ़ी सही पकड़ रही है, तो बाकी आप मैंने 4 गियर की टॉप स्पीड होगी और 5 गियर की टॉप स्पीड होगी ये मैंने चैनल पर डाल रखी है। बाकी थोड़ा मार्केट वाले मार्केट के एरिया में थोड़ा एक्सीलेशन फुल करके देखेंगे कैसा परफॉर्म कर रही है, और करते हैं गियर ड्रॉप और चेक करते हैं। शायद ये तो गीली हो रही है आगे से, एक्सीलेशन तो काफ़ी अच्छा दे रही है, तो बाकी मेरे को खाली इसका एक्सीलेशन ही टेस्ट करना था, क्योंकि टॉप स्पीड तो आप चैनल पर काफ़ी देख ही चुके हैं। काफ़ी अच्छा खींच रही है, मतलब जैसे ही क्लच छोड़ के एक्सीलेशन दे रहा हूँ ना तो वीली हो जा रही है, मतलब शायद सर्विस भी कराई तो ये भी हो सकता है, लेकिन जो भी है कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मतलब रिस्पॉन्स है, एक्सीलेशन काफ़ी गाड़ी बढ़िया खींच रही है। गाइस ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग भी काफ़ी सही मतलब ले रही है, तो बाकी आपको पता दोनों में डिस्क है, खैर ABS नहीं है क्योंकि उस टाइम में जितना पुराना मॉडल था तो ABS उस टाइम था नहीं, तो फिर भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को खाली मैं मार्केट साइड इसलिए आ चुका हूँ क्योंकि मुझे खाली एक्सीलरेशन टेस्ट करना था, मुझे कोई टॉप एंड नहीं चेक करनी थी कि हाँ मैं चढ़ाऊँ रोड पे उसका टॉप एंड कर दे रहा हूँ, मेरे को खाली इसका एक्सीलरेशन टेस्ट करना था कि हाँ भाई गाड़ी कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, अगर मैं गियर डाउन करता भी हूँ तो एकदम कैसा पुल कर रही है। सही है, ज़्यादा पीछे वाली ब्रेक इतनी ज़्यादा लग नहीं रही है, देखो मार ऐसे लगा भी रहा हूँ ब्रेक तो इतनी ज़्यादा लग नहीं रही है, जिस रिस्पॉन्स का देना चाहिए था जैसा वैसा मिल नहीं रहा है पीछे वाली ब्रेक से, इसलिए कोई नहीं अपना बाकी तो खैर सब बढ़िया ही है। देखते हैं थोड़ा सा पुल करके कैसा जा रही है बाइक अपनी। ब्रेकिंग अच्छी है, हाँ ABS नहीं है तो उस टाइम में ABS थी भी नहीं, 2014 का मॉडल है, 18 में शायद डिसकंटिन्यू हो गई थी, V2 तो बिल्कुल हो चुकी थी। बाकी ओवरऑल आपको बाइक की एक बार मैं लुक दिखा देता हूँ कि कैसी लग रही है बाइक, तो ये खड़ी है अपनी, तो ये देखिए एक बार लुक आपको दिखा देता हूँ। तो बाकी ये तो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में जब मैंने लगवाया था, तो वीडियो आपको अपलोड मिल गई होगी वहाँ पे चैनल पे पड़ी हुई है। तो ये रहा अपना उड़न खटोला,